हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास सिक्स के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के चैप्टर टू को एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर वन को मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चैप्टर वन था विविधता की समझ, ठीक है, और चैप्टर टू है विविधता एवं भेदभाव। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको भी मैं दो तीन भागों में पढ़ाऊंगी, जैसे मैं चैप्टर वन को बताई थी। तो आइए शुरू करते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह से भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। एक बार फिर से देखिए, जैसे हम क्या हैं और कैसे हैं, यह बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे हम कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं, और जितना कुछ भी होता है इन सब का हमारे रहने के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। भारत के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। देखिए, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, संसार में अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितने धर्म हैं तो पूरे संसार में 8 धर्म हैं। और भारत में उन आठों धर्म में, यानी आठों धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, आठों धर्म के अनुयायी जो है सो भारत में रहते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, भारत में उन आठों धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। और अपने यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। अब 1600 भाषाएं जो है सो यह संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, लेकिन लोगों की मातृभाषाएं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, और नृत्य जो होता है सो भारत में 100 से भी ज़्यादा तरह के किए जाते हैं। इसका नोट्स भी मैं उपलब्ध करवाऊंगी। पहले चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद नोट्स उपलब्ध करवाऊंगी। जैसे मैंने क्लास 3, 4, 5 का किया, 5 का चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसका नोट्स भी उपलब्ध करवाई, वैसे ही 4 का भी, 3 का भी, और सारे क्लास का करूँगी। यह विविधता हमारे खुश होने के कारण नहीं बनता। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। ऐसा होता है कि जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारे तरह बोलते हैं, हमारे तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह के बात करते हैं, तो वैसे जगह पर हम लोग अपने आप को सुरक्षित और अस्वस्थ महसूस करते हैं। और कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लगने लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों हैं, क्यों अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। और जैसे हम लोगों से अलग दिखने वाला लोग अगर मिल जाता है, अलग तरह का कपड़े ड्रेस पहने हुए है, अलग तरह की भाषाएं बोल रहा है, तो उनको देख के क्यों हमारे मन में अजीब सा भाव आता है और समझ नहीं पाते हैं हम लोग कि पता नहीं वे हमसे अलग क्यों हैं और अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में एक खास राय भी बना लेते हैं। अब टॉपिक है पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उस पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? और जिन पूर्वाग्रह को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? यहाँ पे दिया गया है ग्रामीण लोग के बारे में। देखिए, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा भारतीय जो है सो गांव में रहते हैं। और ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क होते हैं, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। गाँव के लोग बहुत पिछड़े होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने के को बाध्य होते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसा की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहर
शहरी लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं और शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का यह बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो ये जो भी बात नीचे लिखा हुआ है ग्रामीण और ग्रामीण लोग और शहरी लोगों के बारे में, उसमें से लगाना है कि जिस कथन से आप सहमत हैं उस पर निशान लगाइए और आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी जीवन के लोगों को लेकर किस तरह के पूर्वाग्रह हैं, ठीक है, उसको इसमें टिक लगाना है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखता है। हम लोग जो कथन पढ़े हैं उसमें से देखे हैं कि कुछ कथन ऐसा है जो ग्रामीण लोगों के बारे में कहता है कि ग्रामीण लोग अज्ञानी और अंधविश्वासी की तरह दिखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वाले की तरह दिखते हैं, ऐसा कहा गया है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह के रूप में रूप ले लेती। अब देखिए, यह तो खुद से राय बना लेना हुआ ना, ऐसा थोड़ी होता है कि गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अंधविश्वासी अज्ञानी होंगे और शहर में रहने वाले सारे लोग आलसी और चालाकी होते हैं। लेकिन जब हम किसी के बारे में भी पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, अपने मन से कोई राय बना लेते हैं पहले ही से और अपने दिमाग में उस बात को बिठा लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह धीरे धीरे क्या होता है कि एक पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। और उसमें ज़्यादातर राय जो होती है सो नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रह का रूप जो राय लेता है उसमें ज्यादातर राय नकारात्मक होती है। जैसे कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। अब हम लोगों को आलसी कह रहे हैं, चालाक और कंजूस कह रहे हैं और ऐसा हमने खुद से उनके बारे में अपने मन में बिठा लिया है, तो यह भी पूर्वाग्रह ही हुआ। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, तो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोच लें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। ऐसा होता है कि अगर हमारे मन में आ गया, हम सोच लिए कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है और यही सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो अन्य भाषाओं के बारे में हमारे मन में नकारात्मक विचार आएगा ही, वह नकारात्मक रूप से उस भाषाओं को हम देखेंगे, तो परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो अगर उस भाषा के प्रति हमारे मन में इज्जत नहीं है, हम उसको नकारात्मक रूप में ले रहे हैं, तो हम वैसे लोगों की भी इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोल पाते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उसकी चमड़ी यानी वो गोरा है या काला, उसका रंग, किस क्षेत्र से वह आता है, जिस तरह से बोलता है, कैसे जैसे कपड़ा पहनता है, इस सब के बारे में हम उसके बारे में नकारात्मक सोच बना लेंगे। आगे देखते हैं क्या है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख भी पहुंचा देते हैं। और इस तरह का पूर्वाग्रह जब हमारे मन में आता है भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो क्या होता है कि एक तो हम उस दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते हैं और दूसरों के बनाए गए के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने ज़्यादा पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते, उनके संपर्क में रहना नहीं चाहते। और इस वजह से कभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे व्यवहार से सामने वाले को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। अब देखिए, लड़का और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़की में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ यह होता है कि आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इससे सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या सच्चाई है। दिए गए कथनों को सूची से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत सुशील है, उसका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शरारती है, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे रोते नहीं, वे उद्यमी है, वे खेल में निपुण है, वे खाना पकाने में निपुण है और वे भावुक है। एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की के लिए देखिए नंबर दिया गया है। अब देखते हैं आगे है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं सोचता हूँ मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ
तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? यह विकलांग बच्चा है और यह बता रहा है कि इस कारण से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और अगर तुम होते तो तुम मेरी जगह क्या करते हो? तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो। यहाँ देखिए, यह भी बच्चा जो चेयर होता है जिस पे विकलांग लोग बैठते हैं उस पे बैठा हुआ है। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियर। आगे है, क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। देखिए, ये पैर से थोड़ा सा विकलांग है तो यह बता रहा है कि लोग मुझे देख के सोचते हैं कि दिमाग से भी इसी तरह का होगा। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, ठीक है, और उस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हुए हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे। तो इस तरह के बच्चों को पहले विकलांग कर दिया जाता था, लेकिन अब इन बच्चों के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इनके लिए अब हम लोग प्रयोग करेंगे खास ज़रूरतों वाले बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। थोड़ा सारा तो मैं बता दी हूँ, लेकिन एक थोड़ा नहीं दिखा है, तो उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखा दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं भी व्यक्त की गई है कि बच्चे पे उसका क्या असर पड़ता है और क्या बता रहे हैं उनके बारे में। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िवाद धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। अपनी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चे को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उसके लिए अलग स्कूल होने चाहिए, इसके जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनाना है। आगे की वीडियोस में मैं बचे हुए चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं इसका पार्ट वन तो अभी लेकर आई हूँ, पार्ट टू पार्ट थ्री लेकर आऊँगी। इसको तीन भाग में मैं बांट के पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में हो सके बोरिंग लगेगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।